हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 67th मैच के बारे में, जो कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच है। और इस मैच को आप आज शाम के 7:30 बजे से देख सकते हैं फ्रेंड्स स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे भारतीय समयानुसार। और यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाने वाला है। फ्रेंड्स, पिच की बात की जाए तो पिच बैटिंग को सपोर्ट करेगी। इस पिच पर अगर पिछले 102 मैचेस में विनिंग परसेंटेज देखा जाए तो 47% फर्स्ट बैटिंग करने वाले जीते हैं, 52% सेकंड बैटिंग करने वाले जीते हैं। वहीं पेस वर्सेस स्पिन की बात की जाए तो 75 विकेट पेस गेंदबाजों ने ली हैं, 30 विकेट स्पिन गेंदबाजों ने ली हैं। वेदर की बात की जाए तो बारिश होने की संभावना नहीं है, टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस रहने वाली है। वहीं ह्यूमिडिटी 75% रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। अब अगर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के पिछले 5 मैचेस की बात की जाए तो 3 मैचेस में हार हुई है, 2 मैचेस में जीत हुई है। वहीं गुजरात टाइटंस के पिछले 5 मैचेस को देखा जाए तो 3 मैचेस में जीत हुई है, 2 मैचेस में हार हुई है। और अगर इनके बीच खेले गए हेड टू हेड मैचेस की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इन दोनों टीम्स के बीच इससे पहले एक बार मैच हुआ है और उस मैच में गुजरात टाइटंस की जीत हुई थी। अब अगर पिछले 5 मैचेस के आधार पर टीम एनालिसिस किया जाए तो ओपनिंग के मामले में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम एवरेज है, गुजरात टाइटंस की टीम स्ट्रॉन्ग है। मिडिल ऑर्डर में दोनों ही टीम स्ट्रॉन्ग है। बैटिंग डेप्थ की बात की जाए तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम स्ट्रॉन्ग है, गुजरात टाइटंस की टीम वीक है। पेस बॉलिंग में दोनों ही टीम एवरेज है। स्पिन बॉलिंग में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम स्ट्रॉन्ग है, गुजरात टाइटंस की टीम एवरेज है। अब अगर विनिंग परसेंटेज की बात की जाए तो ये मैच 50-50 का है, 50% रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, वहीं 50% गुजरात टाइटंस। अब अगर मैच विनर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो दोनों टीम्स को कंपेयर करने पे इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के इस 67th मैच में हमारे एनालिसिस के अनुसार रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम जीत सकती है फ्रेंड्स, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम या फिर गुजरात टाइटंस की टीम? आप अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें फ्रेंड्स। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।